हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? सो दोस्तों, आज हम जो वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, ये वीडियो है साजिद तरार है, जो कि कह रहे हैं नो क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन डेमोक्रेसी लाइक इंडिया सेज पीएम मोदी। उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं साजिद तरार और आरजू काजमी। सो आज हम काफ़ी टाइम के बाद आरजू काजमी की ये वीडियो वॉच करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स सुनने को मिलेंगे, जिसने नरेंद्र मोदी जी की इस स्टेटमेंट के ऊपर उनके क्या रिव्यूज हैं वो आज हम जानेंगे। सो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं, इस इंटरव्यू को सुनते हैं, उनके वर्ड सुनते हैं। साजिद तरार को तो आप जानते ही हैं, काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी इंडियन ऑडियंस उनको बहुत ज़्यादा जानती है, और स्पेशली आरजू काजमी के शो पर वो बहुत ज़्यादा आते हैं, और आरजू काजमी के बारे में तो आप जानते ही हैं। मैंने तो उनको ज़्यादातर आरजू काजमी को नाम सुनते ही ना मुझे मेजर गौरवारी जी याद आ जाते हैं, आई डोंट नो क्यों। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऊपर न्यूज़ जैसी बाइक्स आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, मूवी वो नहीं, न्यूज़ चैनल चल रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया साजिद तरार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। बहुत से आपको देखने वाले और आपको सुनने वाले पूछ रहे थे कि आप भी मोदी जी से मिलने गए हैं और आज का दिन बड़ा हंगामा खेज रहा, उनका क्या कहेंगे आप? देखें, मैं खुद तो मोदी जी से नहीं मिला, लेकिन मेरे कई दोस्त जो हैं, बहुत जो करीबी दोस्त, जो सुबह शाम जिनके साथ इकट्ठा होता हूँ, वो वहाँ मिलने गए थे। और हमारे जो अम्बेसडर साहब हैं, तरनजीत संधू साहब हैं, जो वो आज उन्होंने बड़े अच्छे रंग की पगड़ी पहनी हुई थी, वाइट हाउस में खड़े थे, और मैं समझता हूँ उनका जो दौरा है बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है। मैं मिले जुले जज्बात इसलिए हैं कि एक तरफ हमारे पड़ोस में हमारे जो बहन भाई हैं वो इतनी तरक्कियों पर है, और दूसरी साइड पर हमारा आज कभी बेंच टूट रहे हैं, कुछ टूट रहा है, तो हमारे जो है वो ठीक नहीं है, उस पर अफसोस होता है। मिले जुले से जज्बात है, लेकिन ये कि मैं बड़ा खुश हूँ, बल्कि डिटेल बताना चाहूँगा आपको। एक तो मौसम जो है वो 3-4 दिन से बारिश है, आज अभी जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त मोदी जी कांग्रेस में स्पीच दे रहे हैं, उससे पहले डायस्पोरा इकट्ठा था व्हाइट हाउस के अंदर, छतरियाँ थी, बारिश हो रही थी। मोदी जी ने कल जो है, एक तो यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे, जिसको योगा डिप्लोमेसी का नाम दिया जा रहा है, कि उन्होंने योगा वहाँ पे किया, बहुत बड़ी बात है, बड़ी तादाद में लोगों ने इकट्ठे योगा किया, एक्सरसाइजें की, और ख़ासकर योगा जो है मैं समझा जाता है हमारे ईस्ट की, भारत की, ये हमारे एक हमारा खसूसी चीज़ है, उसको इंट्रोड्यूस कराना, पूरी दुनिया को दिखाना बहुत बड़ा आनर है मेरे ख्याल में। उसके बाद एंड्रयू एयरफोर्स बेस पर उनका प्यारा लैंड किया, आए वहाँ पर, और जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उन्होंने की, मैं समझता हूँ उस पर दुनिया ने बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया, साइंस फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके हवाले से उन्होंने बात की। उसमें स्पीच में उन्होंने खासकर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि पाइपलाइन ऑफ टैलेंट, कि हम टैलेंट प्रोवाइड करेंगे अमेरिका को, और इस वक्त जो भारत है उसमें जो नई जनरेशन की यूथ पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, उसको कहा जाता है कि इन्होंने इसको बल्कि नाम दिया स्किल इंडिया मिशन, कि हम स्किल लेबर प्रोवाइड करेंगे। 10 मिलियन यूथ है इस वक्त भारत में, और वो आएंगे, उनके बारे में उन्होंने बातें की, और बिलखसूस इसी हवाले से बात करना चाहूँगा कि इन्हीं के मोदी जी किसी ट्रिप के दौरान इस वक्त जो हमारे भारतीय डायस्पोरा है जो आते हैं यहाँ पे H-1B वीज़ा पे, उनको डिफिकल्टीज हैं, उसकी ईजमेंट के लिए भी जो है वो कोई अनाउंसमेंट होगी, ये भी सुनी जा रही है यहाँ पे बात। और उसमें L वीज़ा जो है, पहले मैं बताना चाहूँगा कि H-1B वीज़ा के ऊपर लोगों को जब अपनी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होती है तो भारत जाना पड़ता है, वहाँ जाके कोविड के बाद जो कौंसल जनरल और वीज़े के चक्कर हैं उसमें बहुत देर लग जाती है, फैमिलियाँ यहाँ होती हैं, बड़ी दुश्वारियाँ हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ा ऐलान करेंगे कि भारतीय जो हमारे आते हैं वहाँ से काम करने के लिए लोग, उनके लिए आसानियां पैदा की जाए, मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद मोदी जी की मुलाकात हुई है जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, उनके लोगों से मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद जी का जो CEO था उससे मुलाकात हुई,
और तेजा जहाजों के जो इंजन बनाने के जो डील चल रही है यहाँ पे मैं किया बताना चाहूंगा, अभी तक सिर्फ दुनिया के 4 कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, और उसमें इंडिया विल बी द नेक्स्ट 5th वन, बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। उसके बाद ये है कि आपस में गिफ्ट्स जो है, डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स जो है, उसका तबादला हुआ, जो आपकी भी घड़ियां होती थी, आपकी भी चीजें, तोशाखाना, आपको तो बहुत याद है वो सारी चीजें, बल्कि लोगों को जबानी लिस्ट याद है जो पाकिस्तान जाते थे गिफ्ट को किस तरीके से घूम के दुबई में पहुंच जाते थे। तो मैं चाहूंगा कि आपके देखने वालों को वो भी बताऊं कि वो गिफ्ट क्या थे। इसमें मोदी जी ने एक उनको चप्पलों का बॉक्स एक उसको दिया है, जिसको मैसूर सैंडल बॉक्स वो दिया, और उसके अंदर में उसके ऊपर गणेशा की तस्वीर थी, एक लैंप था उसके अंदर, और 10 गिफ्ट थे 10 स्टेटों से। और खासकर वो जो मैसूर सैंडल बॉक्स दिया, उसकी खसूसियत यह थी कि 80 साल और 8 महीने की जब एज किसी की हो जाती है तो उसकी बड़ी एक सिग्निफिकेंस होती है। सुना उस हवाले से ये गिफ्ट दिए उन्होंने। अच्छा। एक 7.5 कैरेट का लैब ग्रोन कैरेट का जो डायमंड है वो मिसेज फर्स्ट लेडी को दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक आयरिश पोएट है जो कि इंडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, उसका नाम है बटलर बीस्ट, उसकी किताब दी, फर्स्ट एडिशन जो प्रिंट था वो उन्होंने गिफ्ट की उनको। फिर जाहिर है दूसरी तरफ से भी रेसिप्रोकल बेसिस पे गिफ्ट होने थे, तो वो हमारे जो बाइडन साहब ने भी विंटेज कैमरा दिया, एक कोडेक का कैमरा दिया उनको, एक अपने जमाने का जो बचपन में जिसके कैमरे से खेलते होंगे वही दे दिया उन्होंने। एक उन्होंने बुक दी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बुक दी है उन्होंने, और एक वाइल्ड वेस्ट की तस्वीरों की जो एल्बम थी वो उन्होंने दी है। ये गिफ्ट उन्होंने किए हैं। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि अब कल तक है मोदी जी यहाँ, कल कैमला हैरिस जो है वो आज तो अभी कांग्रेस में स्पीच दे रहे हैं, अभी जॉइंट इनकी स्टेटमेंट भी आनी है, वो मैं अभी उसका नहीं पढ़ सका, लेकिन ये कि कल मैं खुद भी कैपिटल हिल पर होऊंगा। मैंने खुद मेरी कल 3 कांग्रेस मैन है जिनके साथ मेरी मुलाकात है, और मैं कोशिश करूंगा कि उसी हाल से तस्वीर लेकर आपसे शेयर करूं जहां आज मोदी जी बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भी कल वहां पे मेरे दोस्त हैं एक कांग्रेस मैन, वो हमें लेके जाना चाहते हैं जस्ट एज अ जेस्चर, एज अ फ्रेंडशिप, हमें साथ ले जाके तो उसको पूरा प्रोसेस जो वोटिंग है वो दिखाना चाहते हैं। कल तस्वीर लूंगा, कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर करूँ उसको, लेकिन इट्स अ वंडरफुल इवेंट। मैं समझ लो भारत इज has gone to the maximum level where जहाँ कभी इज़राइल की पोजीशन होती थी आज वही भारत की रूह-रूह रिलेशनशिप में बनती जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, मैंने थोड़ा बहुत देखा है, बल्कि इंडियन चैनल पे ही देखा, हमारे चैनल तो लग रहा है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल सन्नाटा है, किसी किस्म की कोई न्यूज़ नहीं आ रही, तो मैंने फिर इंडियन चैनल ही लगा लिया। फिर मैंने वहां से देखा तो उन्होंने जो थोड़ी बहुत बातचीत की है उसमें ये भी कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर काम किया जाएगा दोनों कंट्रीज मिलकर, और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर काम किया जाएगा। तो मुझे हैरत ये है कि पाकिस्तान के टीवी चैनल इतना बड़ा इवेंट जो है वो कैसे मिस कर गए। देखिए मैं अगले टॉपिक पे आपसे बात बल्कि इसी पे करना चाहूँगा, इसी के उसको साथ रिलेट करूँगा, जो मेरी आज की कल से परसों से खबर चल रही है कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में जो होली की एक तकरीब थी, जब उसके ऊपर इतना रिएक्शन है, आपने देखा है जिस तरह नफरतें हैं, बल्कि मैं वो भी बताना चाहूँगा क्यों है। मैं एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 100 स्टूडेंट थे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में, वो उनके साथ अगर उन्होंने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मोहब्बत का प्यार का अगर इजहार किया है तो उसमें क्या, उसमें आपका ईमान इतना कमज़ोर है कि होली खेलने से आप ना मुस्लिम हो जाते हैं। एक तो मुझे ये इस पर मुझे सख्त तशवीश है। यहाँ पे ये भी आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि मैं मुसलसल अमेरिका में, मेरा जो एक तो भाइयों से ज्यादा जो मेरा मेरी जिंदगी में एक इंसान है वो सरदार है, सिख है, उसकी वजह से, बल्कि मैंने सिखी के बारे में बहुत पढ़ा है, आजकल मैं बुद्धिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ, आजकल मैं टाओइज्म के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं बल्कि बुद्ध तिब्बतन बुद्ध उनको भी पढ़ रहा हूँ जो मंक्स हैं, और उसके बाद जो बर्मीज मंक हैं उनके, इनसे पढ़ने से या किसी दोस्त के साथ मंदिर गुरुद्वारे चर्च में जाने से आपका ईमान कमजोर हो जाता है, बजाय किसी दोस्त की खुशी में शरीक होना। लेकिन ये हुआ क्यों है, ये बताना होगा ना, मेरे जैसा बंदा जो कि मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस का,
साइकोलॉजी का, करंट अफेयर का, वो सोचता ये है कि द मोस्ट पॉपुलर हैंडसम मैन, जिसकी खूबसूरती की वजह से आपने, उसकी हैंडसमनेस की वजह से आपने उसको अमीरुल मोमिनीन बना लिया है, वो हर स्पीच के कुछ का आगाज करता है अय्या का नाम रूब अय्या के, उसका रिजल्ट क्या होगा जब उसको आपकी एजेंसियों ने जब उसको बताया था कि मौलाना रिजवी जो है उनके वोट बैंक के ऊपर डाका मारो और नए पाकिस्तान का हाब छोड़कर रियासत मदीना को अडॉप्ट करो, फिर उसका रिजल्ट क्या निकला? फिर उसका रिजल्ट निकल रहा। और मेरे जैसे लोगों की एक यही अलमियात है कि पहले ये एक इसकी एक डोज हमें जनरल जियाउल हक साहब ने दी थी, चले उसके पीछे तो डॉलर थे भाई, मुजाहिदीन थे बनाने थे, रशिया को लड़ना था, वहां पे भेजना था बच्चे, माओं के बच्चे मरवाने थे, डॉलर बनाने थे अमरीका से, वो तो बन गए। इसके बाद मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो हमारे अब के अमीरुल मोमिनीन हैं, इनको क्या जरूरत पड़ गई है कि हर बात में ये कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है। जरूरत है आपको जिहाद की? चलो ठीक है, जिहाद गुरबत के खिलाफ कर लो ना जिहाद, यार जहलियत के खिलाफ जिहाद करो, जो पढ़ने नहीं दे रहे होंगे बच्चों को। अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा होता, अगर आपकी कौम आज तालीम याफ्ता होती, तो ये जो कायदे जो होली के ऊपर आपने बैन लगाया ये करते ही। सर नोटिफिकेशन दिया इन्होंने, वापस ले लिया वो नोटिफिकेशन, लेकिन जो डैमेजेस होने थे वो तो हो गए, लोग उस बात का मजाक ही उड़ा रहे हैं। मुझे दुख है, अफसोस है इस बात का, क्योंकि ये माइंड सेट रीड करता है। आज अगले यहाँ पे बनाते हैं, वो कहते हैं कि हमने टैलेंट अमेरिका के अंदर हमने टैलेंट बच्चे भेजने या पढ़ाने हैं। इस वक्त आप 2.5 लाख भारतीय स्टूडेंट हर साल आता पढ़ता है, और आप उसके दूसरी तरफ हैं कि आप उनको कहते हो ये सियासत नहीं जिहाद है, और जिहाद करिए, कैसे लोग हो यार। अब तो सऊदी अरेबिया भी बॉलीवुड पे चला गया यार, जहां पे दुनिया बुरके पहनती थी, जहां खातू औरत जो है गाड़ी नहीं चला सकती थी, वहां पे वो बॉलीवुड के जलसे करा रहे हैं वहां पे, और आप लोग रिवर्स गियर है। सर आपने देखा इस्लामाबाद में जो सर 2 दिन पहले तमाशा चला था ये लाल मस्जिद वालों का, किस तरह से वहाँ की औरतें निकली थी डंडे लेके और कह रही हैं कि जी तुम लोग भूल गए उस सुसाइड बॉम्बर्स को, एक भी आ गया तो दिमाग सही हो जाएगा। सर ये भी तो एस्टेब्लिशमेंट के ही बनाए हुए लोग हैं, कब क्यों नहीं आते? हर बात ही एस्टेब्लिशमेंट की यार, मैं अब क्या करूँ। मैं अगर 2 लफ्जों में सारी आपको हिस्ट्री बता दूँ तो 1947 से लेकर 1957 तक आपने 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज किए, उसके 58 के बाद आप अयूब खान साहब ने आपका डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी की बुनियाद रख दी, और आज तक आप उसी में घूम रहे। लेकिन ये कि मुझे समझ इस बात की नहीं आई कि आप जो कुछ भी है आपको इस सारे जो इस मझधार में से निकालेगा कौन, इन सारे क्राइसिस में से कौन निकालेगा, ये एक लम्हा फिक्र किया इस वक्त परेशानी का बायस है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरी दुनिया के। और ये रेडिकलाइजेशन, अच्छा एक मैं ये भी मेरे भाई हैं, इनको मैं बताऊं स्टीम आप हर चीज़ की अच्छी नहीं होती, पानी आप 2 जग पानी के पी लें फिर भी वो भी खतरनाक हो जाते हैं, तो आप हर चीज़ की इतनी एक्सट्रीम पर क्यों जाते हैं? ये कौन, ये किसकी अथॉरिटी, आप क्यों अपने मजहब को और अपने ख्याल को पूरी दुनिया के ऊपर आप समझते हैं कि हम ही ठीक है, दूसरा दुनिया का हर बंदा गलत है? ये सोच इटसेल्फ इज रॉन्ग, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही हमेशा ठीक हूँ। दूसरों को भी जिंदा रहने का हक है, दूसरों को भी अपने अपने ख्यालात अपने मजहब के ऊपर अमल करने का उतना ही हक है जितना आपको है। ये इसको मैं हमेशा एक और बात बताना चाहूँगा, मेरे एक अजीज थे, रिश्तेदार थे यहाँ के, उन्होंने आके मास्टर्स इन थियोलॉजी फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में की थी, और वो हमेशा ये कहते थे कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन ने अभी तक तो फिलहाल दुनिया में कुछ भी नहीं अच्छा किया, सिवाय डिवीजन डिवाइड कर देता है। रिलीजन को एक स्पिरिचुअल एपेटाइट की हद तक ही रखा करो, इसकी एक्सट्रीम पर ना जाया करो। बिल्कुल ऐसा ही है सर। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पेरिस गए हुए, वहाँ उन्होंने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने कहा कि जंग के लिए तो पैसे हैं दुनिया के पास, पाकिस्तान को देने के लिए, उस पर भी लोग हैरान हो रहे हैं। नहीं पाकिस्तान को तो दुनिया दे दे के आपके महल्लात जो है दुबई और प्लाजे और आपके इंग्लैंड में आपने फ्री में ले लिए, क्या ख्याल है? दुनिया तो देती है आपको, दुनिया तो दे दे के थक चुकी है, दुनिया बैंकरप्ट हो चुकी है आपको पैसे दे दे, लेकिन आप पैसे रखे भी तो सही पाकिस्तान। मैंने अगले दिन, मैंने शायद आपको नहीं मैंशन किया, मैंने एक टेक्स्ट किया था कि 14 मील के अंदर इनकी हुकूमत है हमारे मियां साहब की, शबा 14 मील के अंदर 90,000 गाड़ी है इनकी फेडरल गवर्नमेंट, 50 अरब रुपए का ये सालाना, 2.5 अरब रुपया हमारे
मिस्टर जो वज़ीर आज़म इन ट्रेनिंग है उन्होंने 2.5 अरब रुपया खर्चा किया है ट्रेनिंग टूअर्स के ऊपर, तो आप कहते हैं कि आप बैंकक्रप्ट होने वाले हैं। मैं अगले दिन मैंने अगले दिन आर्टिकल पढ़ा है कि आपके चेयरमैन सेनेट ने अपने आप को जो मराद दी है और जो आप 12 मुलाजमीन फॉर लाइफ, सरकारी जहाजों को लेके ऐसे घूमते हैं जिस तरह ऊपर पे फिरते हैं। हमारे जो पिछले अमीरुल मोमिनीन थे जिनके हाथ में हर वक्त माला होती तस्बीह होती है, वो आते ही उन्होंने पहले भैंसे बेची थी प्राइम मिनिस्टर हाउस की, फिर गाड़ियां बेची थी और फिर ऐसे हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़े फिर उतरे नहीं उसको। वो 5 मील के फासले पे उनका घर था बनीगाला, सारा दिन वो हेलीकॉप्टर पे आते। तो फिर दुनिया उन्होंने कहा था मैं साइकिल पे आया जाए करूंगा। जब नए नए आए थे साइकिल पे क्या आना है, उन्होंने ऐसा धोखा दिया कौम को। मैं समझता हूँ कि कौम है आज आपके वो आज भी मैं हराम जिस पे मैं चीखता हूँ कि हमारे आईवी लीग स्कूलों से पढ़ के भी एक एम ए मैं वो चीफ जस्टिस साहब की आज भी देख रहा हूँ। और अब जो नया ड्रामा खोल दिया खोसा साहब ने और इजलाज हसन साहब ने किया नया, और एक से एक चीजें ऐसे ऐसे कब मैं क्या इस पे बताऊं। लेकिन कराची पोर्ट को यूएई को भेज दिया इन्होंने, यूएई के हवाले कर दिया। अभी तो एयरपोर्ट भी बिकने, आप पोर्ट की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे बिकेंगे, बिल्डिंगें बिकेंगी, सारा कुछ बिकेगा। भी देखे ना खर्चा कम है, लंदन में इतनी महंगाई हो चुकी है, आप कैसी बात कर रहे हैं। जहाँ आपकी हकूक आपकी रूलिंग एलीट के बच्चे हैं जहाँ पे वहां पे तो महंगाई बहुत है। अभी तो लोग बेचेंगे, आपने बेचे अगले जो किश्ती में मारा 300 बंदा बेकी के, वो बिके थे ना उनकी, मुझे स्टेटस बता दे। पर वो तो मुशर्रफ के जमाने में भी बेचे थे, वो तो खुद कहते थे 4000 के कितने पाकिस्तानी बेच डाले थे जी, 5000 का बंदा बेचा था उन्होंने बुक में लिखा। लेकिन देखिए आज दुख है अफसोस है, क्या हो सकता है। खासकर मैं जब देख रहा हूँ यहाँ देखता हूँ भारत की तरक्कियां देखता हूँ तो दिल को मलाल तो होता है। इंसान है, सोचे तो है कि हम कहाँ जा रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है। क्या कहें, लेकिन अगर हम अगर टीवी पे नहीं दिखाएंगे तो उसका क्या मतलब है कि भारत में कुछ नहीं हुआ है। हम जिस तरीके से अपनी न्यूज चलाते हैं जैसे हमारे टीवी चैनल्स हैं उस पे आपको भरोसा नहीं करता। आज जो इस वक्त दुनिया जो है वो टीवी देख रही है, इस पर तो ये भी वीडियो एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स ये बिकने वाली स्टोरी मुझे समझ नहीं आई, काइंडली अगर आप लोगों को मालूम हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। अनफॉर्चुनेटली हमारा पाकिस्तान में एक शिप है जो कि पानी के अंदर यूनान में ग्रीस में जो है वो डिस्ट्रॉय तो नहीं हुई है, मैं ये कहूंगी कि अनफॉर्चुनेटली वो बहुत जानबूझकर एक प्लानिंग थी जिसमें डुबोया गया है। अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग जो हैं वो शायद उनको अवेयरनेस नहीं है, बट जहाँ तक देखा जाए और पिक्चर्स को देखा जाए तो उसे यही पता चल रहा है कि वो जानबूझकर उसको डुबोया गया है। और कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे भी आए हैं जिससे पता चला है कि पाकिस्तानी जो हैं उनको नीचे वाली जो सतह थी उसके अंदर रखा गया था और बाकी जो थे उनको ऊपर रखा गया था। विच मीन्स दैट कि ये प्री प्लानिंग थी कि अच्छा ये प्री प्लानिंग नहीं थी कि पाकिस्तानियों को जो है वो ऊपर रखें नीचे रखना है कि पाकिस्तानी पहले मरे, ये एक प्लानिंग शायद थी कि उन लोगों ने इनको जो है वो वहाँ से उन लोगों ने उनको देख लिया और कश्ती डुबो दी कि भाई क्या लेने आए हो। तो जारी बात है इलीगल तरीके से जाओगे तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन ये इंसानियत का कत्ल है। मैं तो यही कहूँगी कि यार इलीगल तरीके से गए चाहे लीगल तरीके से जाएँ, पर इस तरह से किसी के साथ नहीं होना चाहिए, फिर वो भले पाकिस्तानी हो भले कोई और कंट्री के लोग हो, क्योंकि हर साल लाखों की तादाद में लोग जो है वो इमिग्रेट करके जो है वो जाते हैं यूरोप में और यूएस वगैरह कनाडा में। लेकिन इस तरह का एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा, मुझे तो बड़ा ही दुख हुआ, इवन तो मेरे को तो रोना आ रहा था जो मैंने देखा। और अब मैं जब भी सी साइड जाती हूँ ना, टू बी ऑनेस्टली मेरी आंखों के सामने ना वो कश्ती नजर आती है, वो शिप नजर आती है। एनीवेज मुझे आपने ये बताना है कि उन्होंने कहा बेचा, तो ये बेचने वाला क्या सीन था। बेचने वाला मेरे ख्याल से 25 लाख रुपए देके वो लोग गए थे, लेकिन क्या पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये चीज थी, क्योंकि कोविड में भी कह रहे थे जितना बंदा मरेगा उसको उतना ही उसके रिटर्न में पैसे मिलेंगे, तो ये भी सुनने में आ रहा था। तो ये क्या भाई क्या चल क्या रहा है। और तो और मैं ये देख रही हूँ कि
हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहाँ पर जाकर कह रहे हैं कि जंगों के लिए पैसे हैं इनके पास, लेकिन हमारे लिए पैसे नहीं है, मतलब पाकिस्तान को देने के लिए पैसे नहीं है। यार क्या कर रहे हैं ये लोग, वहाँ पर जाकर पैसे मांग रहे हैं, मतलब आपको वो पैसे नहीं दे रहे तो आप उनसे खींचने की कोशिश कर रहे हो, उनकी जेब में हाथ डाल रहे हो या उनको ताने मार रहे हो कि भाई अगर तुम हमें पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हें तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। ठीक है, वो लोग थक चुके हैं यार, और कितना देंगे हमें, बस हो गई ना, अब इतना भी नहीं होता, अब तो हमें खुद शर्म आ जानी चाहिए। उन लोगों ने जितना देना था वो हमें दे चुके हैं, अब तो हमें शर्म आनी चाहिए कि भाई हम लोग कर क्या रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम लोग कैसे। अब इतना भी नहीं होता कि भाई वो अब हमें कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ देते रहें। तो अब अपनी सारे एसेट्स जो है हमने कीमती तो सेल कर दिए। मुझे तो हैरानगी हो रही है कि यूएस ने यूएई को अपना एयरपोर्ट बेच दिया, मतलब कि क्या कुछ भी नहीं है अपना हमारे पास, तो क्या फ़ायदा सिख कंट्री को आज़ाद कराने का या अलग सेपरेट कंट्री बनाने का जिसको आप टुकड़े कर करके खुद अपने हाथों से उसको बेच रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये 75 years जो है वो अगेन रिपीट हो रहे हैं। हम कहते हैं ना कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, बल्कि हम तो पीछे आ रहे हैं। मुझे तो कश्ती देखकर वही आ रहा है कि हमारी पाकिस्तान में अगर जिहाद करना चाहते हैं ना तो हमें अपनी गुर्बत के ख़िलाफ़ जिहाद करना चाहिए, हमें एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर हमारी पब्लिक एजुकेटेड होती ना तो वो 25 लाख या 26 लाख देकर वो दूसरी कंट्री में जाकर अपने आप लिए मौत नहीं खरीदते, इलीगल तरीके से नहीं जाते। 25 या 26 लाख में इंसान पाकिस्तान में बैठकर भी बिजनेस कर सकता है, अपनी कोई जॉब कर सकता है, अपनी कोई शॉप खोल सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट करके कुछ भी कर सकता है। यार 26 लाख बहुत अमाउंट होती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि इन लोगों को शायद एजुकेशन की कमी थी या फिर डॉलर इतने ज़्यादा आंखों में आए हुए थे कि पैसे देकर लोगों उसको और अपने लिए मौत खरीद ली। मतलब क्या यूरोप में जाना इतना ज़रूरी है, आप यूएई में भी जा सकते हैं। तो ये एक अवेयरनेस की बात है, अगर ये यूएई में चले जाते तो सोचो कम पैसे में इनको अच्छी जॉब भी मिल जाती, और तो और इज्जत का खा तो लेते ना। ये कैसी जिंदगी है कि आप इतनी सपने लेकर चल पसे इलीगल तरीके से और वहाँ पर आप अपने हाथों से देकर पैसे मौत। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंसान जो है ना उसको एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, हम एजुकेशन जब तक प्रोवाइड नहीं करेंगे ना लोग इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे। बाकी यार लीगल तरीके से भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हम लीगल तरीके से क्यों नहीं करते इस तरह की चीज़ें। मैं बस उनके लिए तो दुआ ही करूँगी, और जो है वैसे हमारे पढ़े लिखे लोग भी इस तरह के बहुत सारे हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जैसे एंग्रो के एक ऑनर है कंपनी के, तो बिजनेसमैन है, यूएस में रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने हाथों से जो है ना 30 मिलियन जो है ना वो मेरे ख्याल से 30 करोड़ जो है वो उन्होंने देकर अपने लिए मौत खरीद ली। आप दोस्त में बैठकर टाइटैनिक का जहाज़ देखने चले गए थे, वहाँ पर जाके पता चला कि वो आपदोज ही गायब हो गई है, तो अब उनकी अनाउंसमेंट हो गई है कि भाई वो मर गए। तो इसलिए अक्ल पैस क्या करे तो बंदा क्या करे, पढ़े लिखे भी दिमाग से फारेंगे, भाई टाइटैनिक तुम्हें आप लोग देखने जा रहे हो, क्या फ़ायदा उस वही पैसे अगर आप किसी गरीब को दे देते, गुर्बत आपकी कंट्री में इतनी है, आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर देते, गरीबों की हेल्प करते तो सोचो कितनी दुआएं मिलती। लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब तो वो भी ऊपर चले गए और जो है ना मतलब उनका भी कोई हाल है। खैर हम तो उनके लिए दुआ करेंगे, बाकी इंडिया की जो डेवलपमेंट है उसको हम देख रहे हैं, और जो रिस्पेक्ट मोदी जी को मिल रही है और पार्लियामेंट में उनको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है, नो डाउट। उनको इतना लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको इतना प्यार कर रहे हैं, नो डाउट ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि मोदी जी ने अर्न की है, ये अर्न की है उन्होंने, उन्होंने अपने लोगों के लिए जॉब्स वगैरह क्रिएट करवा रहे हैं वहाँ पर लोगों को, मतलब इंडियंस के मज़े हैं। मैं कहती हूँ मोदी जी के आने के बाद इंडियंस ने जो ग्रोथ की है और अपनी रिस्पेक्ट बनाई है अदर कंट्रीज में, तारीफ काबिल तारीफ है। तो फ्रेंड्स आप क्या कहते हैं इसके ऊपर कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, लव एंड बाय बाय।